सबको भारत माता की जय, जय सियाराम। आज चिल्ड्रंस डे के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आखिर ये चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि भारत देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उनको बच्चों से बहुत प्यार था और उनके नाम पर आज चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हमारे नेहरू जी ने किया था कि उनकी याद में आज चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भारत देश के उन तमाम देशभक्तों को ये कहना चाहूंगा और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो भूतों ना भविष्य हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते हैं, ऐसे महान व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें चिल्ड्रंस डे मनाना है तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहेब जादों ने जो देश की मट्टी के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे चार साहेब जादों के नाम पर चिल्ड्रंस डे मनाने की आवश्यकता है। आज लाइव में जितने भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु आज आए हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि भले ही मीडिया हमें सपोर्ट करती है नहीं करती ये बात की बात है, लेकिन सोशल मीडिया तो हमारी है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत देश के देशभक्तों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना पहले तो तेग बहादुर सिंह जी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और चार साहेबजादों के बलिदान के बारे में पूरे देशवासियों को जानने की और समझने की आवश्यकता है। मैंने कई बार गुरु जी तेग बहादुर सिंह जी के बारे में, गुरु ऐसे बहुत जिनका नाम लेते हुए मुझे गर्व होता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के बारे में और तेग बहादुर सिंह जी ऐसे एक वीर को जन्म दिए जिन्होंने चार साहेबजादों को जन्म लिया और भारत देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इन सभी का इतिहास अगर कोई जान लेगा, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल कट्टर भगत हो जाएगा उनका, जैसे मैं आज भगत हूं उनका। मैं कभी भी नर्वस होता हूं तो मैं उनकी एक एनिमेशन मूवी है चार साहेबजादे, वो मूवी देखता हूं और उनका एक सेकेंड पार्ट भी है, वो मूवी देखकर बहुत जोश आता है और बहुत मन खुश भी होता है कि भारत देश में देखिए ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी कई कम आयु में लड़ते लड़ते प्राणों का बलिदान, जैसे अजीत सिंह जी और जोरावर सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ एक किले में बंद थे, चमखोर का युद्ध कोई भूतों ना भविष्य नहीं भूल सकता था, तो चमखोर के युद्ध में अजीत सिंह जी, जोरावर सिंह जी दुश्मनों से, मुगलों से लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया भारत देश की रक्षा के लिए। और वो समय पर मुगलों का रास्ता और वजीर खान एक हरामी कुत्ता, उसने गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी को पकड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे बालकों को पकड़ा और इस्लाम कबूल करने पर उसने बहुत टॉर्चर किया, लेकिन छोटे से बालक, एकदम छोटे से बालक, मैं समझता हूँ कोई 6 साल का तो कोई 4 साल का, छोटे से बालकों में इतनी शक्ति कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो वही गुस्से में वजीर खान ने उनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया। दीवार में चुनना, मरना उन्होंने स्वीकार किया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। ऐसे वीरों का जन्म हुआ भारत देश में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नेहरू के नाम पर क्यों बाल दिवस मनाया जाता है? अगर बाल दिवस मनाना है तो ऐसे वीरों के नाम पर बाल दिवस मनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ऐसे वीर कभी संसार में पैदा नहीं हुए। आज करके हम बालकों को देखते कि छोटी सी छड़ी भी अगर हम पकड़ के ठहरते तो हम जो भी बुलवाना चाहे वो बालक बोल देते, आज की तारीख की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन वह समय पर
पता है अजीत सिंह जी को और जोरावर सिंह जी को कि 10,000 की सेना पूरे चौ तरफ किले को घेर चुकी है, या हमें सरेंडर होना है या हमें मरना है, दो ही ऑप्शन। और 40 सिख हमारे भाई बंधु थे, लेकिन हमारे अजीत सिंह जी और जोहर सिंह जी, उन्होंने गुरु जी से आज्ञा ली कि हमें युद्ध करना है, हमें युद्ध लड़ना है, तो उन्होंने युद्ध लड़ा। एक एक यानी हमारे अजीत सिंह जी ने 40 से अधिक लोगों को मारा। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। वैसे ही जोरार सिंह जी ने बलिदान ऐसा नहीं दिया, लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये इतिहास है मेरे भाइयों, और इतिहास हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये इतिहास हम कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए किसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बाल दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बदलाव आने की आवश्यकता है। और बाल दिवस अगर मनाना है तो चार साहेबजादों के नाम पर बाल दिवस मनाने की आवश्यकता है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जितने भी लाइफ में मेरे भाई बंधु आज जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से प्रणाम, जय सियाराम। हेलो, మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం? యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.